नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम भाग्योदय का समय जानने का प्रयत्न करेंगे। कोई भी जातक हो, क्लाइंट हो, तो उनका पहला प्रश्न यह रहता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा। तो आज मैं 10 मिनट के अंदर आपको बताऊंगा कि आप अपने तरफ से खुद ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका भाग्योदय का जो वक्त है कौन सा साल है जिसमें आपका भाग्योदय होगा। तो देखिए, ये जो भाव है नवम भाव, वो भाग्योदय का है। तो अगर यहाँ पे जो भी ग्रह बैठा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, या यहाँ पे जो भी ग्रह दृष्टि करता है, तो यहाँ पे ग्रह कब दृष्टि करेगा? जब वो यहाँ पे बैठा हो। उसी तरह से मंगल जो है उसका चतुर्थ और अष्टम दो ज्यादा दृष्टि दी हुई है उसको, शनि जो है उसको तृतीय और दशम दृष्टि एक्स्ट्रा मिली है, और गुरु जो है उसको पंचम और नवम दृष्टि मिली है। तो आइए हम जाने कि जातक का जो भाग्योदय है वो कब होगा। तो देखिए, हर एक जो ग्रह है उसके साल तय है शास्त्र में। सूर्य के 22 साल, चंद्र के 24 साल, मंगल के 28 साल, बुध के 32 साल, गुरु के 16, शुक्र के 25, शनि के 36, राहु के 42 42 और केतु के 48 48 ईयर। तो ये जो साल है वो भाग्योदय का वक्त या वर्ष जो है वो तय करने में हमें मदद करते हैं। सबसे पहले हम देखें सूर्य का। तो कोई भी जातक हो, अगर उसकी कुंडली में ये नवम भाव में सूर्य है या ये तृतीय भाव में सूर्य है, तो उसका जो भाग्योदय होगा वो 22 साल की उम्र में होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि भाग्य जो है उस पर सूर्य का प्रभाव है, तो या तो सूर्य यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, तो उसका जो भाग्योदय है वो 22 साल की उम्र में होगा। फिर हम बात करें चंद्र की। और एक बात कि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है, पिता है, तो वो भी उनको भाग्योदय में मदद करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करें चंद्र की, तो चंद्र के है 24 साल। तो अगर चंद्र यहाँ पे है नवम भाव में या यहाँ पे है तृतीय भाव में, तो जातक का जो भाग्योदय है वो 24 साल की उम्र में होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम देखें मंगल। तो मंगल जो है उसके जो साल है वो 28 साल है। तो या तो मंगल ये भाव में है नवम भाव में, या फिर ये भाव में है तृतीय भाव में, या फिर मंगल ये द्वितीय भाव में है तो भी उसकी अष्टम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे आएगी, या फिर मंगल ये भाव में है छठे भाव में तो भी यहां से चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 वो भाग्य भाव पे आएगी। यानी कि मंगल अगर यहाँ पे है नवम भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव या छठे भाव में, तो जातक का जो भाग्योदय है वो 28 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करें बुध की। तो देखिए, बुध जो है उसके है 32 साल। तो अगर बुध यहाँ पे है नवम भाव में या फिर बुध यहाँ पे है तृतीय भाव में, तो जातक का जो भाग्योदय है वो 32 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे हम बात करें गुरु की। तो गुरु के सबसे कम साल है 16 साल। तो देखिए, अगर गुरु यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो जातक का भाग्योदय 16 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात, गुरु की पंचम और नवम दृष्टि भी है, यानी कि अगर गुरु यहाँ पे है तो ये यहाँ पे दृष्टि करेगा नवम दृष्टि, तो भी अगर यहाँ पे लग्न भाव में गुरु है तो भी जातक का भाग्योदय 16 साल की उम्र में हो सकता है, या फिर गुरु यहाँ पे है पंचम भाव में तो भी यहाँ से पंचम दृष्टि से, यानी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो भी जातक का भाग्योदय 16 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे हम बात करें शुक्र की। तो देखिए, शुक्र के 25 साल है। तो यह शुक्र होगा यहाँ नवम भाव में, भाग्य भाव में, या फिर होगा तृतीय भाव में, तो भी जातक का जो भाग्योदय है वो 25 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे हम बात करें शनि की। तो शनि की है 36 साल। यानी अगर शनि नवम भाव में है या फिर तृतीय भाव में है, तो जातक का भाग्योदय 36 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात, शनि जो है उसको तृतीय और दशम दृष्टि भी दी गई है। तो यानी अगर शनि 12वें भाव में है आपकी कुंडली में, ये भाव में, तो यहाँ से वो दशम दृष्टि को भाग्य भाव को देखेगा तो भी आपका जो भाग्योदय है वो 36 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं।
और एक बात, अगर शनि सप्तम भाव में है तो यहां से वो तृतीय दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, तो भी आपका भाग्योदय जो है वो 36 साल की उम्र में होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करें राहु और केतु की, तो राहु जो है उसके 42 साल है, तो अगर राहु यहाँ पे बैठा है तो 42 की एज से आपका भाग्योदय होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और केतु, तो केतु के है 48 साल, 48 ईयर्स, तो अगर केतु नवम भाव में बैठा है तो आपका भाग्योदय 48 साल यानी 48 ईयर्स से होगा, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भाग्योदय का मतलब है कि आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं या आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्णतः फलित होना, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिलना कि भाई ये मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला। यहाँ पे भाग्योदय यानी एक अच्छी जॉब आप कह सकते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब आप कह सकते हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा स्टेज उनको मिल सकता है जिसे उनको संतोष हो। और एक बात, जैसे कि अगर केतु यहाँ पे है तो 48 साल तक इंसान कुछ भी नहीं करेगा ऐसा मतलब नहीं है, या लेकिन नवम भाव में अगर केतु है तो इंसान मेहनत तो करेगा, उसको फल भी मिलेगा उसका, लेकिन जो पूर्णतः फल मिलना चाहिए वो उसको 48 के बाद मिलेगा या 48 से मिलना शुरू होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां पे हमने देखा कोई एक ही ग्रह अगर बैठा है या दृष्टि करता है तो क्या होता हो रहा है वो मैंने बताया। अब हम जानेंगे कि अगर एक से ज्यादा ग्रह नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं या नवम भाव पे उनका प्रभाव है, जैसे कि यहाँ पे है शनि नवम भाव में और सूर्य है तृतीय भाव में, तो शनि खुद तो नवम भाव में है ही, तो शनि तो भाग्य को असर करेगा, लेकिन सूर्य भी यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है सप्तम दृष्टि, तो सूर्य भी यहाँ पे भाग्य भाव को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे जब भाग्योदय के हम साल तय करेंगे उसमें हमें शनि के 36 साल और सूर्य जो है उसके 22 साल, ये दोनों को हमें प्लस करना होगा और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको 2 से हमें डिवाइड करना होगा और जो आएगा वो उसका भाग्योदय का साल होगा। यानी कि शनि के 36 साल और सूर्य के 22 साल, उसका जो टोटल हुआ वो हुआ 58 ईयर्स, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी 29 ईयर्स, यानी 29 साल की उम्र में ये जो जातक होगा उसका भाग्योदय होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम देखें, अगर भाग्य भाव पे 3 ग्रहों का प्रभाव है, जैसे कि यहाँ पे गुरु खुद विराजमान है और मंगल और शनि दृष्टि कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गुरु जो है उसके 16 साल, मंगल जो है उसके 28 साल और शनि जो है उसके 36 साल का हमें प्लस करना होगा। तो यहाँ पे गुरु जो है उसके 16 साल, मंगल जो है उसके 28 साल, शनि जो है उसके 36 साल का अगर हम प्लस करेंगे तो 80 आएगा, और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी 26 से 27 साल एवरेज आएंगे। तो ये जो जातक है उसका जो भाग्योदय है उसकी जो शुरुआत होगी वो 26 27 साल से होगी, और उसका जो पूर्ण भाग्योदय होगा जिससे उसको संतोष मिले वो 36 साल से ही होगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो जो मैंने 3 प्लैनेट है उसका जो हमने प्लस किया तो 26 27 साल से उसकी शुरुआत हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, भाग्य भाव पे जब शुभ ग्रह हो जैसे कि चंद्र शुक्र बुध या गुरु या यहाँ पे हो, तो वो जब भाग्य भाव पे दृष्टि करते हैं तो भाग्य भाग्योदय के लिए जातक को बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब पाप ग्रह दृष्टि करते हैं तो उसको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना होगा। यानी भाग्य भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव जो है आपको इजी गोइंग भाग्योदय देता है या आपको भाग्य को लेके हमेशा मदद मिलती रहती है, लेकिन जब पाप ग्रह का वहां पे प्रभाव होता है तो आपको कुछ ना कुछ साहस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह है या यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी दृष्टि करेगा और तृतीय भाव है साहस का, तो जब पाप ग्रह है वो साहस करवाते हैं भाग्योदय के लिए और शुभ ग्रह जो है वो इजी गोइंग आराम से भाग्योदय करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अगर आप आपकी कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, आपका भविष्य या भाग्योदय के साल जानना चाहते हैं, या फिर आप ज्योतिष या वास्तु के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न है आपका, अगर आप नया मकान बना रहे वास्तु के बारे में कुछ सलाह लेना चाहते हैं
तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218080, ईमेल है info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है भाग्योदय का आपको आपकी जो जानकारी है आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद।